शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य पत्रक दिए गए हैं जो कि आपको 11 अक्टूबर 2021 को मिले हैं, और यहाँ पर आपको 3 कार्य पत्रक दिए गए हैं, 40A, 40B और 40C। आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि हमारे व्याकरण से संबंधित हैं। तो व्याकरण से संबंधित रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित आप कार्य पत्रक हल कर चुके हैं, और ये सभी जानकारी पिछले कार्य पत्रक में भी आपने देखी थी। आइए इन सभी का हम अभ्यास कर लेते हैं ताकि जितने भी व्याकरण के टॉपिक हमारे हैं वो अच्छे से हमारे अभ्यास में आ जाएं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का फिर से अभ्यास करते हैं। एक बार हम पढ़ चुके हैं, आइए दोबारा से अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही हमें कोई भी बात अच्छे से समझ आती है। आप देख सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में यहाँ पर पहचान के लिए दिया गया है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है किसी भी वाक्य में, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य को छोड़कर जो भी बच जाता है वो हमारा विधेय होता है। तो अगर किसी सरल वाक्य की हमें पहचान करनी है तो एक ही उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा और एक ही विधेय हमें देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पहले भी यही उदाहरण आपको दिया गया था, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? सूर्योदय के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा उद्देश्य है, और बाकी जो बात की गई है वो सारी की सारी किस में आ जाती है? विधेय में आ जाती है। तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। आइए आगे बढ़ जाते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आप अच्छे से जानते हैं, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जिसमें एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है पहचान के लिए, और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहता है, और यहाँ बीच में जोड़ने का काम किया जाता है दोनों उपवाक्यों को। तो कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द हम देख सकते हैं? जैसे कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि, इस तरह के योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। यहां पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं, ये हमारा सरल वाक्य था, इसी को परिवर्तित कर दिया गया है किसमें? मिश्र वाक्य में। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, और वैसे ही कुहासा जाता रहा ये आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर आश्रित है? सूर्योदय होने पर। तो इस तरीके से एक आपको प्रधान उपवाक्य देखने को मिलेगा मिश्र वाक्य में, और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा। जैसे और वैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समुच्चय बोधक का कार्य कर रहे हैं, जैसे और वैसे की सहायता से इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है। हमारा तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जिनको हम समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही सरल वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते, और इनको जोड़ने के लिए इस तरह के समुच्चय बोधक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो, आदि। अब यही जो वाक्य है जिसको हमने सरल वाक्य में भी देखा था, हमने मिश्र वाक्य में भी देखा था, उसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है, उसकी रचना हमने इस तरीके से कर दी है कि अब ये वाक्य हमारा क्या बन गया है? संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो ये हमारा एक सरल वाक्य है, सूर्योदय हुआ, साथ में प्रधान उपवाक्य है, और की सहायता से इसे हमने जोड़ दिया है, और दूसरा जो हमारा उपवाक्य है वो भी सरल वाक्य के रूप में है, यानी कि दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। तो ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य में एक जैसी ही बातें होती हैं, बस संयुक्त वाक्य में आपके दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, और मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होगा, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा। आइए जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं इन प्रश्नों का जो कि इसी के ऊपर आधारित हैं। दी गई तालिका का अभ्यास कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विनय बहुत मेहनती है और कक्षा में प्रथम आता है, और की सहायता से जुड़ा है।
विनय बहुत मेहनती है, ये हमारा एक उपवाक्य है और की सहायता से जुड़ा है। कक्षा में प्रथम आता है दूसरा उपवाक्य है और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, इस कारण से ये हमारी किसकी परिभाषा हो जाती है, संयुक्त वाक्य की। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, चार वाक्य आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, यानी कि एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर क्या होगा, आश्रित होगा। मैंने एक बीमार बच्चे की सेवा की, ये हमारा सरल वाक्य है, आप समझ ही गए होंगे। जो छात्र मेहनती होता है वह अवश्य प्रथम आता है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा मिश्र वाक्य है। वह अवश्य प्रथम आता है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, प्रधान उपवाक्य। और जो छात्र मेहनती होता है, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। शिक्षिका ने क्षमा के काम की प्रशंसा की तथा उसको प्रेरणा दी, तथा उसको प्रेरणा दी, तो ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। मेजर ने स्वागत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो ये हमारा सरल वाक्य है। तो यहाँ पर आपसे मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए कहा गया था, दूसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, अब यहाँ पर आपको सरल वाक्य की पहचान करनी है। रात हुई और तारे चमकने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। रात होने पर तारे चमकने लगे, यही हमारा क्या है यहाँ पर, सरल वाक्य है जो हमसे पूछा गया है। जब रात हुई तारे चमकने लगे, तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य बन गया है। जैसे ही रात हुई तारे चमकने लगे, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। तो बाकी विकल्प में दिए गए वाक्यों की भी आप पहचान कर सकते हैं, ताकि साथ साथ और भी वाक्यों का आपका अभ्यास हो जाए। यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, ख। आगे है, जयंत मेले में गया, वहां से कुर्सियां लाया। तो यहाँ पर दो आपको वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, यानी कि दोनों अलग अलग वाक्य हैं, आपने समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ना है और दोनों को स्वतंत्र भी दिखाना है। जयंत मेले में गया और वहां से कुर्सियां लाया, यही आपका विकल्प क्या है, सही है, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है और की सहायता से जुड़ गया है। जयंत कुर्सियां लाया जब वह मेले में गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। जयंत मेले से जाकर कुर्सियां लाया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाता है। जब जयंत मेले में गया तो वहां से कुर्सियां लाया, तो ये भी हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, क विकल्प सही है। कॉलेज का समारोह समाप्त होने के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो सबसे पहले तो पहचान करनी है किस प्रकार का है, कॉलेज का समारोह समाप्त होने के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए, तो ये हमारा सरल वाक्य है। अब आपको मिश्र वाक्य बनाना है, तो दो बातों को दो उपवाक्यों के रूप में आपने लिखना है और साथ में एक को आश्रित दिखाना है प्रधान उपवाक्य के ऊपर। आइए विकल्प देख लेते हैं। जैसे ही कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ सब विद्यार्थी घर चले गए, तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य लग रहा है। जब कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। और तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं, कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ और सब विद्यार्थी घर चले गए, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य है। इनमें से कोई नहीं, इसके साथ तो हम जाएंगे नहीं, तो फिर से यहाँ पर दो वाक्य ऐसे दे दिए गए हैं जो दोनों ही मिश्र वाक्य है। क विकल्प को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, जैसे ही कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ वैसे ही सब विद्यार्थी घर चले गए, तो ये सही तरीके से लिखा जा सकता था। अब यहाँ पर जो स्थिति हमारी है कि क और ख विकल्प में किसके साथ हम जाएं, जो सबसे सही तरीके से लिखा है हम उसी के साथ जाएंगे, ख विकल्प के साथ जाएंगे। जब कॉलेज का समारोह समाप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए, तो हम किसके साथ जाएंगे, ख के साथ। अगर आपके सामने भी ऐसी स्थिति आती है, परीक्षा में आती है, तो आपको जो फिलहाल विकल्प दिए गए हैं उनमें से सबसे सही के साथ जाना है। वैसे इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे, ये भी किसके हिसाब से लिखा गया है, मिश्र वाक्य के हिसाब से लिखा गया है। यहाँ हम ख विकल्प के साथ जाएंगे जो सबसे सही विकल्प है। आगे एक गतिविधि दी गई है आपके लिए, बड़ी ही आसान सी गतिविधि है। अपनी पसंद के कोई 5 सरल वाक्य लिखिए और उन्हें रचना के आधार पर वाक्य के बाकी भेदों में रूपांतरित कीजिए। सरल वाक्य से आप संयुक्त बनाइए, सरल वाक्य से आप मिश्र वाक्य बनाइए, और इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये छोटी सी गतिविधि है, इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है, इसको आप खुद से करेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आप देख सकते हैं इसी दिन आपको एक और अभ्यास कार्य पत्रक मिला है, 11 अक्टूबर को 40B,
और ये हमारा व्याकरण से ही संबंधित है और रचना के आधार पर वाक्य भेद से ही संबंधित है और यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। आइए इनको दोहरा लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें ये बातें समझ में आ जाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रचना अर्थात बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यह तीन प्रकार के होते हैं। अभी अभी हमने जाना सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी अभी हमने एक कार्यपत्रक का अभ्यास किया है और वहाँ पर हमने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन प्रकार होते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद से। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है। मैं खेल रहा हूँ, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। आगे है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक या अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दो या दो से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं और साथ में दोनों स्वतंत्र भी होते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने खाना खाया एक उपवाक्य है, और की सहायता से जुड़ा है और सो गया, ये दूसरा उपवाक्य है। दोनों आपस में क्या है? स्वतंत्र है। वह बाजार गया और केले ले आया, तो ये भी दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये हमारी संयुक्त वाक्य की परिभाषा है। आगे है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो। गौण को हम क्या कहते हैं? आश्रित भी कहते हैं। यानी कि जो प्रधान नहीं है वो क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। उसी को हम क्या कह देते हैं? आश्रित उपवाक्य। उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर हमारे दो उपवाक्य हैं और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है, एक प्रधान है और दूसरा क्या है यहाँ पर? आश्रित है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं। आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक वाक्य आपका प्रधान है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। तो ये तीनों हमारे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषाएँ दी गई हैं। आगे देख लेते हैं उपवाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित या गौण उपवाक्य निर्भर करते हैं। तो ये जो प्रधान उपवाक्य है ये क्या होता है? प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य बात होती है, वो प्रधान उपवाक्य में होती है। जिस वाक्य में क्रिया मुख्य होती है वो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, और जो उसके ऊपर आश्रित होगा उसकी क्या पहचान होगी? प्रधान उपवाक्य के साथ आए वाक्य जो मुख्य क्रिया को पुष्ट करती हैं। अब पुष्ट करने का अर्थ क्या होता है? और अधिक स्पष्ट करना। उसे आश्रित उपवाक्य या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं? गौण उपवाक्य भी कहा जाता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य, गौण उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में परीक्षा में भी पूछा जाता है। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान के लिए, सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं, यानी कि की सहायता से जुड़े होते हैं, और की योजक के बाद जो हमारा उपवाक्य आता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य आता है। विशेषण उपवाक्य देख लेते हैं। आगे है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम, प्रधान उपवाक्य में अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम की बात हुई है तो उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है, तो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान के लिए, सामान्य रूप से विशेषण उपवाक्य जो अथवा इसके किसी रूप, जैसे कि जिसने, जिसे, जिससे, जिसको, जिनके लिए आदि से प्रारंभ होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे विशेषण उपवाक्य इन्हीं योजक की सहायता से जुड़े होते हैं। कोई और भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर हमें यही योजक देखने को मिलेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। अगर प्रधान उपवाक्य में किसी क्रिया की बात हो रही है और उसकी विशेषता हमारे आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है तो उस आश्रित उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान के लिए, सामान्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य जब
जो ही, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, जितना, जितनी, यदि, यद्यपि, ताकि आदि से प्रारंभ होते हैं। ज़्यादातर ये समुच्चय बोधक शब्द हमें इस प्रकार के आश्रित उपवाक्य के आगे लगे हुए मिलेंगे। आइए अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को अभ्यास के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं हमारा सरल वाक्य है, सभी समझ ही गए होंगे। एक ही हमारी यहाँ पर मुख्य क्रिया है और एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। छुट्टी हुई एक उपवाक्य है, और की सहायता से जुड़ा है। हम घर को भागने लगे तो जहाँ पर भी और की सहायता से जोड़ा जाता है वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि और की सहायता से जोड़ने पर दोनों जो हमारे उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं दिखाते, इसलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ग विकल्प सही है। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है। शिक्षक ने कहा कि और की सहायता से जुड़ा है कल छुट्टी रहेगी, तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। और ये जो की के बाद हमारा उपवाक्य प्रयोग हुआ है वो आश्रित उपवाक्य है और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अभी अभी हमने परिभाषाएँ पढ़ी हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूँ, उपवाक्य का भेद बताइए। तो यानी कि हमें आश्रित उपवाक्य का ही भेद बताना है। तो मेरी माँ चाहती है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है, और की सहायता से जो जुड़ा हुआ आश्रित उपवाक्य है वो हमारा क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ी है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, उपवाक्य का भेद बताना है। तो यानी कि आश्रित उपवाक्य का ही भेद बताना है। आश्रित उपवाक्य हमारे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, मैं जानता हूँ आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य, फिर से की सहायता से जुड़ा है। बारिश होने वाली है क्या है आपका, संज्ञा उपवाक्य। क विकल्प क्या है, सही है। यहाँ पर आपको एक गतिविधि भी दी गई है, रचना के आधार पर वाक्य भेद का अभ्यास करें। तो आपको बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास करने से ही हमारी परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती हैं और अच्छे से हमारी तैयारी हो जाती है। साथ में आप देख सकते हैं एक और कार्यपत्रक इसी दिन आपको मिला है, ये भी अभ्यास कार्यपत्रक है और जो कि हमारा पद परिचय से संबंधित है। आइए जल्दी से इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं अपना परिचय कैसे दिया जाता है। अगर कोई हमसे अपना इंट्रोडक्शन पूछता है या परिचय पूछता है तो हम अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं, और कौन पूछ रहा है इसके आधार पर भी हम अपनी जानकारी देते हैं। जैसे कि नौकरी के बारे में अगर हम अपना परिचय देना चाहते हैं तो हम अलग तरीके से अपना परिचय देते हैं। दोस्तों के बीच में अपना परिचय देना चाहते हैं तो अलग तरीके से हम अपना परिचय देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पद परिचय है, तो पद परिचय यानी कि पदों का परिचय हमें देना है। और पद क्या होते हैं, जब हम शब्दों को वाक्य के नियम में बांध देते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद हर एक शब्द क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो व्याकरण के कुछ नियम वहाँ पर लग जाते हैं, और नियम में बंधने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका पद कहलाता है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र रूप से मैं एक महिला हूँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मेरे परिवार में मैं घर की क्या हूँ, सदस्य हूँ। तो स्वतंत्र रूप से हमारा शब्द होता है, जब वाक्य में बंध जाता है तो पद कहलाता है, और उन्हीं पदों का हमें क्या देना है, पद परिचय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा नाम क्षितिज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं शारदा सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बच्चा अपने बारे में परिचय दे रहा है, आप देख सकते हैं अपने दोस्त को बता रहा है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। व्याकरण के अनुसार उसका हम क्या देते हैं, व्याकरणिक परिचय देते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा ऊपर कैसे अपना परिचय दिया जाता है। क्या आपने कभी शब्दों या पदों का परिचय किया है या दिया है, है ना, मज़ेदार सवाल। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, भाषा में पदों की भी अपनी पहचान होती है, उनका भी परिचय दिया जाता है, पर कैसे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपने पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें हम शब्द ना कहकर क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के बारे में हमें समझ आ ही गया है कि किस तरीके से हम पदों का परिचय देने वाले हैं और पद होते क्या हैं। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही हमारा पद कहलाता है।
पद परिचय को हम पद व्याख्या करना या पदान्वय करना भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इस पद की व्याख्या कीजिए या इस पद का पदान्वय कीजिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पद परिचय से संबंधित आवश्यक बातें आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम पदों का परिचय दें तो अच्छे से हम उनके बारे में बता पाएं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब पद बन जाता है तब इसी पद का पूर्ण परिचय, पूरा परिचय बताना और व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति को बताना, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, अन्य पदों के साथ संबंध बताना, ये सभी बातें विस्तार से बताना, इनकी व्याख्या करना ही उस पद का पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहलाता है। पद का सही परिचय देने के लिए आवश्यक है कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, लिंग, क्रिया, वचन आदि का सही और पूरा ज्ञान हो। इस तरह हम उस पद का सही परिचय दे पाएंगे। पद परिचय देते समय आवश्यक बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पद परिचय देना सरल हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। प्रयोग के आधार पर पद 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के पदों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं और उन्हीं का हम क्या देंगे, व्याकरणिक पद परिचय। जैसे कि संज्ञा पद हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रियापद हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, समुच्चय बोधक हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है या फिर विस्मयादि बोधक हो सकता है। इन 8 प्रकार से ही आपका पद परिचय पूछा जाएगा और ये 8 प्रकार के प्रयोग हमारे पद के वाक्य में हो जाते हैं। इन सभी पदों के पद परिचय को संक्षिप्त रूप से मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। अब अच्छे से जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण पदों में विकार उत्पन्न होता है, यानी कि वो परिवर्तित हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, इसी कारण उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। क्योंकि विकार का अर्थ ही क्या होता है, बदलना, परिवर्तन, बदलाव। जैसे कि मोहन, गीता, वह, वे, तो ये मोहन हमारा क्या है, संज्ञा है, गीता भी संज्ञा है, वह सर्वनाम है, वे भी क्या है, सर्वनाम, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं, विकारी पद होते हैं। इसी प्रकार से अविकारी इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बन गया है, विलोम शब्द बन गया है। अ उपसर्ग लगाने से अविकारी शब्द इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द बन जाता है, यानी कि जहाँ पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि प्रातःकाल, प्रातःकाल, धीरे धीरे, शाबाश, और, जबकि आदि शब्द, तो ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। इनको हम अव्यय भी कहते हैं। छोटी कक्षाओं में भी हिंदी व्याकरण में इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछे गए हैं आपसे। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। अब वाक्य में जब हम शब्दों को प्रयोग कर देते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, पद कहलाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं तो पद परिचय को हम क्या कहते हैं, पद व्याख्या करना भी कहते हैं, पदान्वय भी कहते हैं, यानी कि दोनों ही कहते हैं, तो ग विकल्प हमारा सही है, क और ख दोनों। पद परिचय का आधार क्या होता है, तो पद परिचय का आधार व्याकरणिक होता है। व्याकरण के आधार पर हम पदों का परिचय देते हैं कि वो अविकारी हैं, वो विकारी शब्द हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। प्रयोग के आधार पर पद कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर पद हमारे 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ पर कुल 4 ही प्रश्न पूछे गए थे, साथ में आप एक गतिविधि भी देख सकते हैं, क्रियाकलाप भी देख सकते हैं। विकारी एवं अविकारी शब्दों के अंतर्गत उनके भेदों के नाम लिखिए। तो आप अच्छे से जानते हैं विकारी हमारे कौन कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके से इस गतिविधि के बारे में भी आप अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे और अभ्यास करेंगे। इन सभी की परिभाषाएं, इन सभी के उपभेद आपको अच्छे से आने चाहिए, ताकि जब भी किसी पद का पद परिचय आपको देना है तो आप अच्छे से उनकी पहचान कर सकें।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया है क्योंकि तीन कार्य पत्रकों पर हमने आज बातचीत की है, चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है, तो काफी समय लग गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।